हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप दोस्तों। आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि एक्सिस बैंक की तरफ से बम्पर भर्ती आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं एक्सिस बैंक की इस नई वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी का स्वागत है नियो वोल्टेक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक्सिस बैंक की नई वैकेंसी के बारे में, जो कि ऑल इंडिया की वैकेंसी है। जैसा कि आप देखते हैं 4,802 पदों पर यह वैकेंसी होने जा रही है। जी हां दोस्तों, 4,802 से अधिक वैकेंसी है और ये रहा आपका ऑनलाइन आवेदन करने का पोर्टल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है। जी हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से शिकायत भी है, आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को इस वैकेंसी के बारे में पता हो, वो भी अप्लाई कर सके। क्योंकि आपके एक शेयर करने से आपके जो फ्रेंड्स जिनको अभी तक पता नहीं है कि एक्सिस बैंक में भी वैकेंसी चल रही है, वो आपके शेयर करने से अप्लाई कर सकते हैं, उनको नॉलेज में आएगा कि उनकी ये भी वैकेंसी निकाली जा रही है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और रोजाना लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रोजाना सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं, अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, या फिर अगर आप ग्रेजुएट पास भी हैं, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, एक्सिस बैंक में ये जो वैकेंसी निकाली जा रही है, अलग अलग डिपार्टमेंटली वैकेंसीज है, जिसमें ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप ए तक की वैकेंसीज यहां पर जारी की गई है। जी हां दोस्तों, अगर आप पीओन के लिए, क्लर्क के लिए, ऑफिसर के लिए, सेल्स ऑफिसर के लिए, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के लिए, हेड मैनेजर के लिए, मैनेजर के लिए, इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहां पर 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की कोई भी लिमिट नहीं है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अलग अलग पोस्ट को जारी कर दिया गया है, अलग अलग डिपार्टमेंटली वैकेंसी जारी कर दी गई है। तो यहां पर सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को मौका दिया जा रहा है अप्लाई करने के लिए। अब बात कर लेते हैं सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो दोस्तों यहां पर जो ओवरऑल सैलरी आपको मिल रही है वो 45,000 अप्रोक्स आपको सैलरी मिल रही है। और यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने जा रही है, यहां पर आपसे ना तो कोई एग्जाम ली जाएगी, ना ही आपसे कोई फीस ली जाएगी। मतलब कि अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, सभी को बिल्कुल फ्री में अप्लाई करने का ऑप्शन है, ठीक है। और मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और ऑल ओवर इंडिया की यह वैकेंसी होने जा रही है। किसी भी राज्य में आप रहते हैं, चाहे राजस्थान, गुजरात, यूपी, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, किसी भी कोने में आप रहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर हम आपको बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है और इस वैकेंसी से जुड़ी हुई और भी जानकारी आपको देंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, लाइक में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी प्रकार नई नई वैकेंसियों की जानकारी लेकर आते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए फटाफट से आपको लेकर चलते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सिस बैंक की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं असिस्टेंट ऑफिसर, मैनेजर और भी अदर वैकेंसीज है, जिसमें मैंने आपको बताया क्लर्क, सेल्स, मार्केटिंग को लेकर के और मैनेजर, काफी सारी वेरियस कैटेगरीज में वैकेंसी जारी की गई है। जैसा कि आपको बताया 4,800 प्लस वैकेंसी जारी कर दी गई है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, इस वैकेंसी की पूरी जानकारी और आवेदन करने का लिंक आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, www.tipswirlbuzz.xyz। जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, यहां पर आप जाकर के डायरेक्टली इस वैकेंसी की जानकारी ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, यहां पर आपको आवेदन करने का लिंक भी मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आपको बता दें एक्सिस बैंक की इस वैकेंसी के लिए केवल आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर आपकी कोई एग्जाम नहीं होगी, केवल इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन रहेगा। और यहां पर सैलरी जो है आपको एक्सिस बैंक के रूल्स के मुताबिक ही मिलेगी। ऑल ओवर इंडिया की जॉब लोकेशन है, जहां भी आपकी एक्सिस बैंक की ब्रांचेस है वहां पर आपके नजदीकी ब्रांचेस में आपको एलोकेट कर दिया जाएगा, आपको जॉब लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है।
ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मान लीजिए अगर आपने अभी हाल ही में 12वीं कक्षा पास की है और अगर आप एक्सिस बैंक में अप्लाई करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास में कोई भी एक्सपीरियंस है तो आपके लिए प्लस पॉइंट ही रहेगा, क्योंकि आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी और आपको अपर पोस्ट भी मिल सकती है जिसमें आपका पैकेज भी काफी अच्छा खासा होता है, तो काफी लाखों में आप पैकेज यहां से ले सकते हैं, ठीक है। और एज लिमिट यहां पर 18 टू 50 इयर्स है। अगर आपकी भी एज है 18 साल कम से कम और मैक्सिमम 50 साल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जनरल ओबीसी के लिए बिल्कुल फ्री है और एससी एसटी के लिए भी बिल्कुल फ्री है, यानी कि सभी कैंडिडेट्स फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 10th 12th और ग्रेजुएट सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है और कब से कब तक चलेंगे, तो आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं एक्सिस बैंक के करियर पोर्टल पर, जहां पर हम आपको बताएंगे फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस। दोस्तों सबसे पहले यहां पर हमारी वेबसाइट पर आपको मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, यहां पर क्लिक एयर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप सीधा आ जाएंगे एक्सिस बैंक के करियर पोर्टल पर। यहां पर आप देखते हैं करंट ओपनिंग कितनी हो रही है, तो 4,802 जॉब यहां पर अभी तक आ चुकी है करंट ओपनिंग के अंदर। तो यहां पर अलग अलग आप पोस्ट देख सकते हैं। अगर और भी वैकेंसीज आप देखना चाहते हैं तो यहां पर आपको देख सकते हैं, आपको यहां पर नंबर्स मिलेंगे, इस नंबर्स में किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्टली उस पेज पर चले जाएंगे या फिर आप आगे भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर आप चाहें तो सिटी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी सिटी डाल करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी या फिर आप कीवर्ड के अकॉर्डिंग भी यहां पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन सी पोस्ट के लिए आप कैसे अप्लाई करना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर 01 जिस पे आपको दिखता है कि 01 अगर आप फ्रेशर है तो 01 02 जो भी दिखता है आपको, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहां पर 1 से लेकर के स्टार्ट है तो समझ लीजिए यहां पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप 0 को देख लीजिए, अगर जिसमें भी 0 आपको दिखता है उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर दीजिए। और सिंपली आपको बता देते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको ओपनिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है और सेकंड ऑप्शन है अपलोड रिज्यूम, उसके बाद है एग्जिस्टिंग यूजर्स। तो यहां पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहां पर लॉग इन करके आप फिल कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आपको अपलोड रिज्यूम के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये नया पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको करना क्या होगा, आपका जो रिज्यूम है वो आपको अपलोड करना होगा। तो यहां पर आप मिस्टर मिसेज जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपका पूरा नाम यहां पर डालना है, जैसे कि यहां पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालने के बाद में आपका मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका पैन नंबर यहां पर मैंडेटरी है, स्टार बना हुआ है तो ये आपको फिल करना होगा, और यहां पर आपका कैप्चा कोड डालना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर आपका जो रिज्यूम है वो आपको अपलोड करना है। ध्यान दीजिएगा आपका जो रिज्यूम होगा वो आपको अपडेट करना होगा सबसे पहले, जिसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है मैक्सिमम तक, मैक्सिमम जो भी क्वालिफिकेशन है मिनिमम से लेकर के, वो आपको उसमें अपडेट करनी होगी। साथ ही साथ अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप वहां पर उसकी डिटेल्स भी दे सकते हैं, और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है जो आपके रिज्यूम में होनी चाहिए वो आपको वहां पर देनी होगी, और उसके बाद में आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद में ये कैप्चा कोड आपके पास अलग अलग तरीके से शो करेगा, उसके बाद डालने के बाद में आपको सबमिट कर देना, बस सिंपल आपको इसी प्रकार अप्लाई करना है। और ध्यान दीजिए अगर आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद में यहां पर एक एक पोस्ट के लिए आपको यहां पर लॉग इन करके आपको एक एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। ध्यान दीजिए आपको एक एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा, करने के बाद में आप लॉग इन करके एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा एक्सिस बैंक का पूरा आपको दिया हुआ इंफॉर्मेशन। तो यहां पर मैंने आपको बताया कैसे अप्लाई करना है, पूरी जानकारी आपको यहां पर दे दी गई है। अगर आपके मन में फिर भी सवाल या शंका है तो कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।